हाँ ठीक है सर। देखो गौ माता जी की हमने कुंडली अभी अच्छे साफ कर दी है, ये टावर से पहुँच के बस इसमें थोड़ा सा चूना देना है। और चूना देने के बाद ये देखिए गौ माता जी के लिए मिश्री रखी है, मिश्री धागे वाली जो मिश्री होती है, और ये फटकरी नमक टाइप से होता है, और ये नमक है और वो भी नमक है अलग अलग टाइप का, ताकि गौ माता जी को जब भी मन करे नमक खाने का गौ माता जी खा सकते हैं। इसको बीच में पहले चूना डालने के बाद, चूना गौ माता जी के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। देखिए हम चूना इसकी पोताई करनी शुरू कर दिए, नमक को यहाँ देंगे। ये देखिए प्लेट को यहाँ रखिए, चूने से पटाई की जाएगी। चूना मार्केट में चूना गौ माता जी भी अच्छा होता है।